आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो 9 से ज्यादा सिम कार्ड खरीदने पर अब होगी कार्रवाई, भरना पड़ेगा जुर्माना। सिम कार्ड रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल नए दूरसंचार कानून के अनुसार भारत में व्यक्तियों को अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीदने की अनुमति है, जिसके बाद जो है जुर्माना लगेगा। दरअसल भारत में सिम कार्ड खरीदने के संबंध में हाल ही एक नया नियम यहां पर लागू किया गया है और सभी व्यक्तियों के लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य है। इसका पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल संशोधित दूरसंचार कानून के अनुसार अब भारत में व्यक्तियों को अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीदने की अनुमति है, जबकि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए ये सीमा जो है वो घटाकर यहाँ पर 6 कर दी गई है। इन सीमाओं से अधिक पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को सरकार द्वारा लगाए गए दंड का सामना करना पड़ेगा। दरअसल नए नियमों के तहत जम्मू कश्मीर पूर्वोत्तर में 6 से अधिक सिम कार्ड या विशेष भारत में 9 से अधिक सिम कार्ड खरीदने वाले व्यक्तियों पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार अपराध कराए जाने पर अधिकतम 2,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग धोखाधड़ी से सिम कार्ड प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं या करते हैं उन पर जो है 50,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और संभावित रूप से 3 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। वह अगर आप भी देखना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड अभी फिलहाल मौजूदा टाइम में एक्टिव चल रहे हैं तो आसानी से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं topcop.digitelecom.gov.in वेबसाइट जो है, वहां जाकर अपना नंबर डालें और फिर ओटीपी से लॉगिन करने के बाद अपने आईडी से जुड़े सभी नंबर जो हैं आप चेक कर पाएंगे ना। आधार कार्ड से कितने आपने अब तक सिम कार्ड ले रखे हैं सभी की जानकारी जो एक्टिव सिम कार्ड हो गए उनकी यहाँ पर नजर आएगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर देखिए। केरल के 62,00,000 पेंशन धारकों के लिए शानदार खबर, सरकार करेगी बकाया का भुगतान। केरल के 62,00,000 पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जो है कल घोषणा की है कि राज्य के अंदर जो है 62,00,000 पेंशन धारकों की कल्याणकारी पेंशन का बकाया जो है समय बद्ध तरीके से वितरित किया जाएगा, बल्कि सरकार उसे जो है और बढ़ाने की योजना यहाँ पर कर रही है। भाषा की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा है कि केंद्र की नीति और रवैये के चलते जो है केरल के सामने पैदा हुई वित्तीय मुश्किलों के बावजूद राज्य सरकार अपने विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं से पीछे नहीं हटेगी। दरअसल इतनी बड़ी संख्या में पेंशन पाने वालों की पेंशन की मनी जो है यहाँ पर बकाया है। वही खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री विधान ने विधानसभा में कहा कि केरल के हर लाभार्थी पेंशन धारकों को हर महीने 1,600 रुपये मिलते हैं और फिलहाल उनकी जो 5 किस्तें जो है बाकी है। विजय ने कहा है कि उनमें से 2 किस्तें जो मतलब 2 किस्तें जो है वित्त वर्ष 2024-25 सबकी बाकी जो है 25-26 में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने नियम 300 के तहत विधानसभा में इस संबंध में बयान दिया है। वही मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सुनिश्चित करना है कि सरकार का दायित्व है कि पात्र हकदार लोगों में कल्याणकारी लाभों का वितरण यहाँ पर हो, इसलिए वे बकाया वितरण समय तयबंद तरीके से जो है यहाँ पर सरकार करेगी। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए राजस्थान से। ये बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में लागू होगी लखपति दीदी योजना, 15,00,000 महिलाएं बनेगी लखपति। राजस्थान की वित्त मंत्री जो है दिया कुमार, उन्होंने बुधवार को बजट भाषण में लखपति योजना को राजस्थान में लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना से महिलाओं का जीवन जो है उसमें बदलाव आएगा और आत्मनिर्भरता जो है इसमें बढ़ेगी। इससे पहले यहाँ पर इसकी सीमा 5,00,000 थी, जिसे बढ़ाकर 15,00,000 किया गया है। वही लखपति योजना के तहत जो है लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह के बिजनेस प्लान को अप्रूवल मिलने के बाद राज्य सरकार की ओर से पात्र महिला स्वयं सहायता समूह को जो है पहले कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। वही ट्रेनिंग के बाद राज्य सरकार की ओर से इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। अब इस लोन की राशि की सीमा राज्य के बजट में जो है वो तय होगी। तो इसकी सबसे पहले शुरुआत जो है डूंगरपुर इलाके से होगी। डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं से यहाँ पर शुरू होगी। डूंगरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को गौरव चूल्हा चौका संभालने से सीमित रहती थी, लेकिन क्षेत्रों में जो अब यहाँ पर से इसकी शुरुआत यहाँ पर होगी। 15,00,000 लखपति दीदी बनाने की बात यहाँ पर कही गई है। लखपति दीदी योजना क्या है, बता दें आपको कि लखपति दीदी स्कीम के जरिए मोदी सरकार का लक्ष्य गाँवों में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। ये योजना गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के व्यापक मिशन के तौर पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये से अधिक जो है वो कमा सकेगी। माधव कहते हैं अगली खबर की। तो अगली बड़ी खबर है व्हाट्सएप को लेकर। ये बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप पर अब फ्रॉड की घटनाओं पर लगेगा लगाम, आ रहा है नया फीचर। व्हाट्सएप की ओर से एक नए फीचर का ऐलान किया गया है जो व्हाट्सएप से होने वाले फ्रॉड पर लगाम जो है वो लगाएगा।
दरअसल इस फीचर का इंतजार काफी वक्त से लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में व्हाट्सएप को जो है राहत की उम्मीद है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में व्हाट्सएप में फ्रॉड की घटनाएं पड़ी है, जिससे बचाव के लिए व्हाट्सएप एक नया फीचर जो है कॉन्टेक्स्ट कार्ड लेकर आया है। इस फीचर में यूजर्स को अनजान ग्रुप चैट के बारे में सूचना दी जाएगी। ये फीचर व्हाट्सएप यूजर्स को अनजान ग्रुप में शामिल होने से यहाँ पर होने में मदद करेगी और उस ग्रुप की चैट में शामिल होने की यहाँ पर आपको शामिल होना यानी उन्हें ये डिसाइड यहाँ पर करेगी। वह नए कॉन्टैक्ट कार्ड फीचर उस वक्त आपको दिखेगा जब यूजर्स कोई अनजान व्यक्ति एक नए ग्रुप चैट में या फिर ग्रुप में आपको शामिल करेगा जो उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं है। वह उस वक्त ये कार्ड जो है वो दिखेगा और उसे इस बारे में सारी जानकारी यहाँ पर देगा। साथ ही ये भी जानकारी देगा कि उस ग्रुप में किस व्यक्ति ने आपको जोड़ा है, ये ग्रुप कब बनाया गया था, उसे किसने बनाया है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट फीचर को आपके ग्रुप में यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन जो है वो भी दिखाएगा। ये फीचर यूजर्स को जो है किसी अनजान ग्रुप में शामिल होने को लेकर अलर्ट जो है वो जारी करेगा। तो व्हाट्सएप पे ये बहुत ही अच्छा फीचर जो है वो आने वाला है। वही व्हाट्सएप का नया कॉन्टैक्ट कार्ड फीचर जो है पहले रोल आउट जो है बीटा टेस्टर के लिए आप उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया। साथ ही उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में ये सभी यूजर्स के लिए जो है उपलब्ध हो जाएगा। ये सुविधा व्हाट्सएप के मौजूदा सेफ्टी पर बेस्ट है। बता दें आपको कि व्हाट्सएप लगातार यूजर्स की सेफ्टी पर काम कर रहा है। व्हाट्सएप के सारे मैसेज इनक्रिप्टेड होते हैं। इस कड़ी में व्हाट्सएप ने ये एक नया फीचर जो है रोल आउट करने का ऐलान किया है, जिससे आप ये जो नया फीचर जो है इस फीचर में अगर आपको कोई भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मतलब ऐड करता है यानी किसी अनजान ग्रुप में आपको ऐड करता है तो जो है आपको एक मैसेज जो है वो आ जाएगा और जिस भी आप नए ग्रुप में से ऐड होंगे उस ग्रुप की पूरी जानकारी जो है आपके सामने निकल कर जो मतलब पूरी जानकारी जो है वो निकाल कर व्हाट्सएप बता देगा कि ये ग्रुप कैसा बनाया गया है और किस तरह का क्या कुछ इसमें है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर से दबाएं ताकि रोजाना जो है आपको इसी तरह की खबरें मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद।